सकते हैं गाइस, और हमारे साथ हैं आगे स्वागत आप लगता है रॉटवाइलर से करोगे भैया, मतलब दोनों होम ब्रेड फीमेल्स हैं। ओके ठीक है जी। और ये जो मेरी फीमेल है, मेरे पास एक बड़ी फीमेल है, दैट इज द क्वीन ऑफ माय फीमेल, मतलब क्या हमने है ना ट्रॉफीज आपको दिखाऊंगा भैया की ट्रॉफी जो जीती हुई है। तो गाइस देख सकते हैं कैमरा को मैंने घुमा दिया, तो इधर एक एक ट्रॉफी देख सकते हैं भैया, इतनी है का और भी होंगी आपके पास। अच्छा यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो आज का ये व्लॉग होने वाला बड़ा ही शानदार और मजेदार, क्योंकि आज है ना आपका भाई चला है छिब्बड़ कैनन में अंकित भैया के पास। तो आज है ना आपका भाई आपको इस ब्लॉग में रॉटवाइलर्स दिखाएगा, वो भी बड़े ही बेहतरीन। मतलब तो यार ना मैं थोड़ा सा इंट्रो की मैं बात करूँ ना, भैया को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि भैया ना ब्रीडिंग लाइन में बहुत ज्यादा पुराने हैं। सो गाइस ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, तो एंड तक बने रहे। तो गाइस जरा टाइम नहीं वेस्ट करते, ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस अभी ना आपके भाई ने एंट्री की थी, तो मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ। और है ना इस ब्लॉग का बहुत ही खास और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज है ना आपको रॉटवाइलर दिखाने हैं आपको बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अंकित भैया से। अभी एंट्री की थी, तो भैया का घर में एंट्री की थी, तो आप देख सकते हैं गाइस। और हमारे साथ हैं आगे, सबसे पहले तो रॉटवाइलर ही देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमें। स्वागत आप लगता है रॉटवाइलर से करोगे भैया, तो मैं आपको बता जाता हूँ ये आगे अंकित भैया। तो अंकित भैया थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हमारी ऑडियंस को बता दीजिए, कि आपके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपको कितना हो गया टाइम ब्रीडिंग लाइन में। सर माई सेल्फ डॉक्टर अंकित छिब्बर। ओके मैं छिब्बर कैनल कोटकपुरा से हूँ। छिब्बर कैनल को बेसिकली ब्रीडिंग में आए हुए मिनिमम 35 टू 40 इयर्स हो गए हैं। ओके 35 टू, मतलब हाँ जी, मेरे फादर इस ब्रीडिंग लाइन में सन 80 से है, मतलब 1980 से। ओके देख सकते हैं, थोड़ा माइक है ना, तो माइक का देख सकते हैं, माइक के कारण ओवर एक्साइटेड हो गए थे, बहुत समझ मतलब रॉटवाइलर को देख सकते हैं आप थोड़ा सा। छिब्बर कैनल भी इटसेल्फ ये केसीआई में 1983 में रजिस्टर्ड हुआ। ओके ठीक है, मतलब 1983 से आप ब्रीडिंग कर रहे हो, मतलब रजिस्टर्ड है आपका केसीआई? नहीं, ब्रीडिंग तो उससे पहले भी हो रही थी। ओके ठीक है, बट कैनल रजिस्टर्ड है, दैट इज 83 से कैनल रजिस्टर्ड। ओके 83 से रजिस्टर्ड है, तो गाइस देख सकते हैं। वैसे आप बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हो? हाँ मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ आप। ठीक है, सो गाइस ये देख सकते हैं रॉटवाइलर का तो सीन थोड़ा सा देख सकते हैं गाइस। तो भैया हम एक एक कर जानते हैं इनके बारे में, तो देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इसका सीन बताइए कि ये कौन सा आ गया अपना, ये फीमेल है? यस। ओके ये मेरी मतलब दोनों होम ब्रेड फीमेल्स हैं। ओके ठीक है जी। और ये जो मेरी फीमेल है, मेरे पास एक बड़ी फीमेल है, दैट इज द क्वीन ऑफ माय फीमेल, मतलब कैनल। ओके मतलब उसका नाम है छिब्बर स्प्राडा। छिब्बर स्प्राडा, छिब्बर स्प्राडा। ओके वो हमारा जो एक रिसेंटली एक डॉग था, चोको रिथमो वॉन कैलीमेन, काफी विनिंग की हुई है उस डॉग ने, मल्टी बेस्ट इन शोज, मतलब स्पेशलिटी में भी ऑल ब्रीड में भी। okay. दोनों में बेस्ट इन शो लगा हुआ है। ठीक है, और काफी बीओबी उसने विन की है, और काफी लाइन, काफी लाइन। हाँ जी। Okay. और वो बहुत अच्छा शो डॉग था। ठीक है, और ये और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर भी था। ओके okay. उसकी मदर, उसकी डॉटर है। ठीक है, प्राडा इनटू गरेवाल अंकल, गरेवाल के। हाँ ओके, मतलब गरेवाल मतलब अंकल के पास। हाँ। एक उनकी ब्रीडिंग का ही डॉग था। ओके okay. कार्लोस ऑफ गरेवाल, ये उसकी डॉटर है। ओके okay, उसकी डॉटर है, आप देख सकते हैं। जो फादर है मतलब इसका इम्पोर्ट था? नहीं, वो भी बीआई। ओके वो भी बीआई था, इम्पोर्ट या बीआई। डॉग सुंदर होना चाहिए, चाहे इम्पोर्ट हो चाहे बीआई, और समटाइम्स बीआई आपको बेटर मिलेगा। जस्ट लाइक दिस वन। ओके इस फीमेल को अच्छे से देखोगे तो इस फीमेल का जो टाइप है दैट इज वेरी गुड। ओके साइज बहुत सुंदर है। ओके तो गाइस इसका स्ट्रक्चर देखिए, मतलब अब आप इसकी बॉडी लेंथ देखिए। ओके एक अच्छे रॉड स्पेसिमेन की एक जिंदा मिसाल है। ओके ठीक है, एज अ फीमेल होने के कारण भी इसका सब्सटेंस बहुत सुंदर है। इसकी आप बैक देखेंगे, बैक भी बहुत खूबसूरत है। ओके देख सकते हैं गाइस इसका। तो भैया है ना जैसे आप देख सकते हैं रॉटवाइलर की, मतलब ये स्टैक ही था जो हमने रिसेंटली देखा। हाँ स्टैकिंग पोजीशन तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, बेसिकली टेम्परामेंट में ही आता है। ओके टेम्परामेंट अच्छे जीन पोल से कैरी करते हैं। ठीक है, मतलब जीन्स अच्छे होंगे तो है, मतलब जैसे हम कहते हैं ट्रेनिंग पे तो आप 10
5% और 5-10% आप हैंडलिंग पे डॉग को बेटर रिप्रेजेंट करवा सकते हो, बट जो बेसिक चीज है वो जीन पूल है। अगर अच्छे ब्लड लाइन से मेट हुई है, हाँ फीमेल भी नहीं जस्ट मेट ही क्यों, फीमेल भी अगर अच्छे ब्लड लाइन से होगी वो अच्छे ब्लड लाइन के डॉग से मेट होगी। ओके। और सिलेक्टिव ब्रीडिंग होगी, ये नहीं कि इस बंदे का डॉग, ये डॉग ज्यादा विन कर रहा है तो मैं उसको यूज कर लूँ। ओके। उस फीमेल को जिसको मेट करवाना है उस फीमेल के साथ कौन सा डॉग मैच कर रहा है वो आप करोगे। ना मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है ना, लोगों का ना मिथ बना हुआ है कि रॉटवाइलर अग्रेसिव होते हैं, कि क्या सही है कि मतलब होते हैं अग्रेसिव? मुझे भी थोड़ा सा अभी डर भी लग रहा है कि थोड़ा सा नहीं, कि मुझे कार्ड वगैरह ना ले। बिल्कुल भी नहीं, बेसिकली देखिए ब्रीड ने लोगों के मन में ना कि अग्रेसिव की जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब ही गलत लेते हैं। सॉरी टर्मिनोलॉजी में कह गया, अग्रेसिव का मतलब ही लोग गलत लेते हैं। अग्रेशन इस ब्रीड में होना चाहिए। okay. लाइक आप अभी देख रहे हो इसमें कि अग्रेशन है किस चीज के लिए, बॉल के बॉल लिए, के लिए। तो आप देख सकते हैं फुल। ओके ठीक है, उसकी तरफ देखिए, दिस इज कॉल्ड अग्रेशन। अगर कोई डॉग किसी को काट रहा है वो अग्रेशन है। बात करें कि काट रहा है डॉग उसके उसको हम क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं सर फिरोशियस। फिरोशियस ओके। डॉग कैन बी अग्रेसिव कि उसको एग्रेशन, अब बंदे को भी एग्रेशन होता है तो इसीलिए वो अपने अचीवमेंट्स अचीव करता है। हाँ, पॉजिटिव एग्रेशन से हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें है पॉजिटिव एग्रेशन। हम उसी फिरोशियसनेस कहते हैं जो डॉग बाइट करता है। ओके फिरोशियसनेस। एग्रेशन तो सर इसमें है, इसीलिए इसमें ड्राइव है, इसीलिए ये मूव अच्छा करती है, ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट अच्छा करती है। ओके ये शो डॉग है। ओके ये शो डॉग है। कह दूं कि हाँ जी ये वर्किंग डॉग है, ये है, क्योंकि इनको जिस चीज की ट्रेनिंग है मेन फोकस ही ट्रेनिंग का होता है। मतलब हाँ देखो उस चीज में वो चीज ट्रेनिंग है कि आप किस तरह से मोड ले रहे हो, बट इसे अगर आप ट्रेन करोगे जस्ट फॉर गार्डिंग या जो आप वर्किंग इनके कुछ आते हैं कोर्सेज लाइक ZTP ये सब चीजें जो okay, मतलब जैसे मतलब वो चीजों में अगर आप ट्रेन करोगे तो डॉग वो ट्रेन होएगा। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि okay, अच्छी ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन में ये भी होता है कि डॉग में कॉन्फिडेंस कितना है। अगर वो अच्छे कॉन्फिडेंस का डॉग है तो उसमें डेफिनेटली कॉन्फिडेंस सब चीजें आएंगी। हाँ जी ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि जो टेल पहले रॉटवाइलर की टेल डॉग कर देते थे क्या था कि मतलब अब भी जैसे है, अब इनकी टेल है? बेसिकली क्या है कि जो हम लोग हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो अभी हम लोग यूज करते हैं फॉलो करते हैं बेसिकली, जो रॉटवाइलर में ब्रीडिंग स्टैंडर्ड जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज यूरोपियन। ओके। और मतलब लाइक फ्रॉम 1999-2000 ऑनवर्ड्स यूरोप में टेल डॉकिंग बैन हो गई थी। ओके यूरोप में टेल डॉकिंग बैन। तो बिकॉज ऑफ दैट जो वहां पे कुछ क्रॉप ब्रीड भी थी वो भी एक बार टेल डॉग होना बंद हो गई थी, लाइक डॉबरमैन बॉक्सर्स भी थे। और बिकॉज ऑफ दैट कि हम जब डॉग वहां से लेके आते हैं दैट इज ऑल्सो विथ टेल, तो फिर जब हम स्टैंडर्ड वहां का फॉलो करते थे तो फिर हमने जो अपनी ब्रीडिंग के भी डॉग्स थे उनकी भी टेल डॉग करना बंद कर दी। ये नहीं है कि लाइक टेल डॉकिंग इंडिया में बैन है। एक मतलब बहुत लोगों के मन में ये मिथ है या कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि टेल डॉकिंग इज बैंड इन इंडिया या ईयर क्रॉपिंग इज बैंड इन इंडिया, नहीं। बट जो है ना मैंने भी जैसे ना डॉबरमैन की भी बनाई थी और त्रविंदर भैया ने मुझे बताया था कि जो हम बात करें कि जो टेल डॉकिंग करते हैं कि वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि है ना जैसे डॉबरमैन के ना पूछ मुड़कर उनकी पीठ को ही नुकसान पहुंचाती है, इसमें भी ऐसे नहीं? रॉटवाइलर में ऐसा कुछ नहीं था। ओके दैट इज वाई रॉटवाइलर में विद टेल डॉग्स कंटिन्यू हुए हैं। ओके बट उसके बाद यूरोप में भी लाइक रशिया में या कुछ और कंट्रीज में भी जाए डॉबरमैन्स को टेल डॉग और क्रॉपिंग चल रही है वहां चल रही है। मतलब वो भैया ने मुझे खुद ही बताया था कि है ना जैसे कि उनकी टेल है ना जो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है मतलब मुड़कर उसको ही टच करती है बट उसको हार्म कर देती है। कुछ हार्म भी इश्यूज हैं, कुछ ब्यूटी इश्यूज भी आते हैं। ओके ठीक है। आप डॉबरमैन को विद टेल देखेंगे आपको सुंदर नहीं लगेगी। हाँ वो भी है, मतलब ब्यूटी की हम नहीं बात करें, मेन फोकस हमारा ये है कि मतलब हाँ कुछ अगर क्योंकि अगर कुछ भी इन्फेक्शन मैंने सुना था कि इन्फेक्शन होती है कि थोड़ा सा उनको जान को भी खतरा होता है भी समथिंग कोई रीजन देखिए होगा, कुछ टेक्निकल इश्यू तो होता ही है। इसीलिए जो ब्रीड्स रेडी हुई हैं उनकी जो शेप है वो कुछ ना कुछ आती है, जैसे पिटबुल्स है। ओके पिटबुल्स में भी ईयर क्रॉपिंग होती है। बेसिकली पिटबुल्स में
आप देखेंगे ज्यादातर की अगर क्रॉपिंग ना करो तो दोनों कान एक जैसे नहीं आते। ओके। किसी का कोई कान फ्लाइंग करता है, कोई कान ज्यादा फ्लाइंग करता है, कोई बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, तो भैया इसका सीन बताओ कि ये कौन सी आ गई? जी मेरी होम ब्रीडिंग की फीमेल है, इसकी हाफ सिस्टर ही है ये। ओके, इसकी हाफ सिस्टर मतलब सेम लीटर नहीं बट उसके बाद की हार्डली 7 से 8 महीने की फीमेल है। ओके ठीक है। और ये चिपर्स प्राडा इनटू एक पटियाला में मिस्टर गुजराल है, चरणदीप सिंह गुजराल। ओके, उनके पास एक डॉग था फ्रेडी। फ्रेडी ओके, सर्बिया से ही डॉग इम्पोर्ट हुआ था, उसकी डॉटर है। ओके, उसकी ही डॉटर है, आप देख सकते हैं। मतलब फादर अलग अलग है इनको, फादर सेपरेट है, मदर सेम है इनकी, तो देख सकते हैं गाइस इसके। और भैया थोड़ा सा बताइए कि जैसे हम हेल्थ इश्यूज की बात करेंगे, कैसा सीन रहता है हेल्थ इश्यूज का? मतलब ठीक है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है मतलब रॉटवाइलर को? देखिए रॉटवाइलर में हेल्थ प्रॉब्लम है। ओके, डेफिनेटली ठीक है। सबसे पहली तो इस ब्रीड में एचडी हिप डिस्प्लेसिया की बहुत प्रॉब्लम आती है, एचडीईडी की। ठीक है, जिनके हम जर्मन से जब अच्छा डॉग देखते भी हैं तो उनके वो टेस्ट क्लियर भी हुए होते हैं। ओके ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में भी ये चीजें होने लग जाएंगी कि पपीज में छोटी एज में एचडीईडी के टेस्ट क्लियर होंगे। एक इनमें कार्डियक इशू भी आता है, डेट इज कॉल्ड जीएलपीटी, ओके, भी इनमें आता है। हिप डिस्प्लेसिया बेसिकली जो हम अच्छी ब्लड लाइन के डॉग्स नहीं यूज करते, ओके, या जो हम बहुत मैसिव डॉग्स देखते हैं कि यार इतना बड़ा हेड है, इतना लूज डॉग है, और मोस्टली उन डॉग्स में ये प्रॉब्लम हम देखते हैं। ओके, फाइंड आउट मिलती है। तो गाइस है ना, अभी है ना हमने है ना ट्रॉफीज आपको दिखाऊंगा, भैया की ट्रॉफी जो जीती हुई है। तो गाइस देख सकते हैं, कैमरा को मैंने घुमा दिया, तो इधर एक एक ट्रॉफी देख सकते हैं भैया। इतनी का और भी होंगी आपके पास? ट्रॉफी तो सर बहुत हैं। ओके, मतलब झलक है, झलक दिखाई है आपने बस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारी ट्रॉफीज भैया के डॉग्स ने जीती हुई है, देख सकते हैं आप।